हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। दोपहर का समय है और गर्मी भी बहुत तेज हो रही है और एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। किसी ने बोला था कि पानी देते हुए वीडियो बनाइए, तो रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो पानी हमें कैसे देना चाहिए अपने पौधों को गर्मी के टाइम में? अभी तो देखो सुबह का दोपहर का टाइम है और इस समय 12 से ऊपर ही होने हैं, 12:15। तो इस समय पौधों को वैसे तो पानी देना नहीं चाहिए क्योंकि पौधे की जो मिट्टी है गर्म हो जाती है और हम पानी देंगे तो वो फिर थोड़ी सी ना रूट को डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए हो सके तो सुबह ही पानी दीजिए, अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को जब धूप चली जाती है बिल्कुल ही 6 बजे 6:30 7 बजे ऐसे ही पानी दीजिए। लेकिन मेरे यहाँ क्या हाल है, मेरे यहाँ पानी जब आता है हर तीसरे दिन, मतलब दूसरे दिन आता है। जैसे आज आ गया, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, तो तीसरे दिन पानी आता है। तो एक दिन में क्या करती हूँ, डब्बे से पानी दे देती हूँ और एक दिन में करती हूँ फुवारे से पानी देती हूँ। जैसे आप देखिए वहां पर पानी दे रहे हैं, सभी पौधों को इस तरह से पानी देना है आपको। इससे ये होता है, पौधों को पानी देने से क्या होता है कि हमारे जो पौधे हैं सारे नहा लेते हैं अच्छे से और इनमें अच्छे से पानी भी दिया जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने इसमें फुवारा लगाया हुआ है, ये इसमें लगाया हुआ फुवारा और ये 10 रुपए का आपको बाजार में मिलेगा। तो ये लगा के आप पौधों को पानी दे सकते हैं और सभी पौधे हमारे नहा भी लेते हैं अच्छे से। जब हम डब्बे से पानी देते हैं ना तब इतने अच्छे से नहीं नहाते जितने कि जब हम फुहारा लगा के पानी देते हैं पौधों को, तो नहा लेते हैं इस तरह से। ये यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके तो हमें सभी पौधों को पानी देना, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी दे दीजिए इस तरह से कर दीजिए, और इस तरह से सभी पौधे हमारे जो है नहा लेंगे। और यहाँ पे खुशी कर रही है थोड़ा सा आज हेल्प, यहाँ पे तो खुशी दे रही है क्योंकि पानी आया। और दोपहर में कोई हमारे यहाँ कोई पानी का टाइम नहीं है, कैसे कब आता है कब नहीं आता, कोई टाइम नहीं है बिल्कुल भी। सुबह भी आ जाता है, दोपहर में भी आ जाता है और शाम को भी आ जाता है, तो इसका कोई टाइम नहीं है। इनमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे लगा के रखिए यहाँ पे, हाँ ऐसे। तो इस तरह से जो ये मेरे हार्डी प्लांट है, जितने भी आप देखेंगे वहाँ सारे हार्डी प्लांट है, तो इनको मैं थोड़ा सा ज्यादा पानी देती हूँ। और एक बार तो मैं सब पे शावर कर देती हूँ, इस तरह से पूरा घुमाना है, शावर करो सब पे, शावर इस तरह से कर देना पूरा, सभी प्लांट पे मैं शावर कर देती हूँ। इससे ये सारे प्लांट नहा तो लेते हैं और इनमें पानी भी अच्छे से दिया जाता है। इससे ये होता है प्लांट सारे खुश हो जाते हैं और नहा भी लेते हैं, मिट्टी वगैरह लगी होती है, धूल मिट्टी कीड़े वगैरह जो लगे होते हैं वो भी चले जाते हैं। जैसे होते हैं ना मिली बग्स लगे, ये देखो इसमें दिखाना एक बार, इस वाले पे, इसमें देखो, ये देखो सी दिखा इधर, इधर देखिए, ये देखो इसमें ना मिली बग्स लगे हुए, इसमें मिली बग्स लग रहे हैं ना। तो इसको यहाँ पे ऐसे जोर से मारो, पकड़ी पाइप पकड़, इससे ऐसे करेंगे आप, थोड़ा सा जोर से प्रेशर मारेंगे तो चले जाते हैं। इससे ये भी एक फायदा ये होता है, ये देखिए बहुत सारे मिली बग्स लगे हुए, देखिए इतने सारे मिली बग्स इसमें लगे रहते हैं। ये तो या तो हाथ से हटा दो, नहीं तो नीम का जो स्प्रे होता है वो कर दीजिए, नहीं इस तरह से फवारे से कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें कर देना सभी पे, एक मिनट यहाँ हटा कर, इधर कर पकड़। तो जितने भी हैं, ये बास्केट है और ये पोट्स है, मैं तो सभी को इसी तरह से पानी देती हूँ। तो इससे कई लोग ये पूछते हैं कि गलते नहीं है क्या? देखिए मैं तो आज से काम नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब ये पौधे पर पानी देने का, मैं ये कई सालों से ही कर रही हूँ, 3 साल तो हो गए मुझे इसी तरह से पानी देते हुए। और मेरे पौधे यहीं पे रखे हैं, इनको धूप भी मिलती है, छाया भी अच्छे से मिल जाती है, और जो मेरा हाथ नहीं पहुँचता ना इस तरह से, मेरा हाथ नहीं पहुँचता तो यहाँ पे मेरा हाथ भी पहुँच जाता है पाइप से, इस तरह से मैं पाइप से पानी दे देती हूँ इनको। ये देखिए इस तरह से मेरे को ज़्यादा अच्छा फुवारे से पानी देना लगता है। तो इस तरह से सभी को मैं पानी दे देती हूँ, बास्केट को भी, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से पानी दीजिए, कुछ नहीं होगा, गर्मी ज़्यादा है कहीं ख़राब नहीं होंगे पौधे। और मेरे आउटडोर इनडोर सभी पौधे लगे हुए हैं और सभी में मैं इस तरह से ही पानी देती हूँ। और ये देखिए ये है मनी प्लांट मेरा, और मनी प्लांट देखिए मेरा हाथ नहीं जाता है लेकिन फवारे से मैं पानी देती तो बिल्कुल हाथ चला जाता है। और यहाँ पर देखिए कैक्टस भी लगे हुए हैं, ये सब इसी तरह से पानी देती हूँ। आपने मेरे देखा होगा एक वीडियो और डाली है, उसमें भी आप देखिए सभी पौधों को मैं इसी तरह से पानी देती हूँ, तो कोई पौधे खराब नहीं होते इससे देने से। इधर और हमारे यहाँ पे तो वैसे तो अगर आपके यहाँ पे सुबह आता है तो उस सुबह दीजिए, दोपहर में मत दीजिए पानी। मेरे तो यहाँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है पानी की, इसलिए मुझे ये देना पड़ता है। और नहीं पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी आप टंकी में मतलब पाइप लगाइए, ठूटी में पाइप लगाइए और उसमें ये शावर लगा दीजिए ब्लू वाला, तो आप इससे दे सकते हैं पानी।
इसे ही होता है, अच्छे से दिया जाता है, मुझे तो ज्यादा अच्छा लगता है। और देखिए मेरा जो गार्डन है गंदा तो हो जाता है जब मैं पानी देती हूँ, लेकिन साथ साथ ना वॉश भी कर देती हूँ। कुछ इधर उड़ दे, उधर हो गया, दे दिया मैंने बास्केट को। हाँ इस वाली को दे, इस वाली को, ये देख इधर स्पाइडर वाले को, अरे ये देख इधर, ये रहा, ये टूटा हुआ ना तो इसमें ज्यादा पानी लगता है। अभी तो ये है निकल जाता है नीचे ही पानी, गार्डन गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं अभी तो चल जाता है। ये देखो इस तरह से कितना मतलब पानी निकलता है, टूट रहा है ये। इस बार इनको देख सारे को इधर, तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं अपने सभी पौधों को पानी देती हूँ। और ये मेरा तीसरे दिन का काम है, एक दिन तो मैं डब्बे से देती हूँ और एक दिन मैं फुवारे से देती हूँ। तो मेरे मुझे तो ज़्यादा अच्छा ये लगता है और सभी पौधों को पानी मिल जाता है। देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे से हो गए हैं, खुश हो गए हैं सारे पौधे इनको जब हम इस तरह से नहला देते हैं। और आप देख सकते हैं 12 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है मेरे गार्डन में। कई लोग पूछते हैं कि आपके परमानेंट धूप में है या छाया में है, तो मैं आपको दिखा देती, देखिए यहाँ तक अभी धूप नहीं है, ये देख सकते हैं ना, यहाँ तक धूप नहीं है। तो इस समय 12 से ऊपर ही हो रहा है टाइम, तो यहाँ तक इस समय यहाँ धूप रहती है 12 बजे तक हो गया ये। तो आज खुशी ने पानी दे दिया है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसी तरह से सभी पौधों को पानी दी थी, रिक्वेस्ट वीडियो है ये। और कैसी लगी है मेरी ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लांट सारे धुल गए हैं और ये वाले रह गए, अभी इनको भी देना है। खुशी यहाँ से हटाए एक बार, हो गया, दे दिया उधर मैंने। उस बोतल वाले में दे, बोतल वाले में, बोतल वाले में कुछ, वो बोतल वाला, वो ग्रीन वाली बोतल लटक रही है उसमें, हाँ इसमें हाथ से पकड़ के, हाँ बस 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 हो गया। ये दे इधर से हटा, उधर कर लगेगा, ये हटा दे यहाँ से, ये दरवाजा, दरवाजे पे, हाँ ये सारे ले, अरे वो नीचे पॉट लग रहा है भाई, चल ऐसे दे दे, तो आ नहीं रहा ना पूरा, इसलिए कह रही हूँ रुक जा, चल अब बंद कर, बंद कर ले, बंद कर ले, मेरे को तो आने दे अंदर, अरे अंदर बंद कर दिया मेरे को, रुक जा मेरा फोन गिला होगा, अभी रुक, चल। ये देखिए धूप में ना फोन में दिखता भी नहीं है। और इस तरह से ये जितने भी मेरे सारे DIY से लगे ना दरवाजे पे, इस तरह से दे देती हूँ, मेरा हाथ नहीं जाता है तो। और चलिए ठीक है, सब पौधों को मैंने पानी दे दिया है, आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद करती हूँ वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरा गार्डन सुंदर सुंदर हो गया, और अभी यहाँ पर ना वॉश करना जरूरी है क्योंकि सब पानी बिखर गया और कपड़े भी धोने हैं। ये देखिए अभी बहुत सारे ना कपड़े भी हो रहे हैं क्योंकि पानी आ रहा है ना, इसलिए कपड़े भी धोने हैं। तो दोनों तीन काम है, अभी तीन काम है, पौधों को पानी देना है, टंकियाँ भरनी है। हाँ ठीक है, चलिए ओके, टाटा बाय बाय।